वेलकम बैक दोस्तों। अभी हम आए अपने दोस्त भाई अरशद भाई की दुकान पे, तो ग्रोसरी लेनी थी। तो अभी हम जो इनकी दुकान के अंदर से खुद ग्रोसरी लेते हैं, जैसे कि आप देखते हैं चेयर। तो नमक ले लिया हमने फिर से। हलीम का बहुत प्रोग्राम है और मुहर्रम में मैं हलीम खुद पकाता हूँ, अपने हाथ से पकाता हूँ, और इसके बाद तो बहुत आसान हो गई हलीम। नदीम भाई बिल्कुल मैश हुई है या इसको एक बिल्कुल पिसी भी आती है वो तो नहीं है ये? नहीं नहीं नहीं, ये हाँ थोड़ा सा इसमें हमें अच्छा इजी नहीं, इजी नहीं, इजी इजी का टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो हलीम जब पकाऊंगा तब भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा हलीम अपनी बनाते हुए। और भी कुछ चीज़ें बताया था कि आज मैं हलीम बनाऊंगा। हलीम बनाने के लिए मैंने पहले दाल ले ली है। अभी हम इसका डब्बा बॉक्स अनबॉक्स खोल रहे हैं, इसका खोल रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं। ओहो बहुत बहुत मजबूती से लगाया हुआ है। और इसमें तो ये मसाला है इसका, और ये इसकी दालें। आप दालों को कम से कम आधा घंटा भिगो दें। भिगोने से ये होगा कि दालें निखर जाएंगी और बहुत अच्छे तरीके से। आप आधा घंटा में इसको भिगोएंगे, आधा घंटे भिगोने के बाद जो है फिर हम आपसे फिर से मिलते हैं। मेरी वाइफ ने कहा आप नहीं काटे, मैं काट देती हूँ क्योंकि प्यास से आपका हार्ट ना कट जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैं कुकिंग नहीं करी। और ये आप देख सकते हैं गोश्त ये अलग हो चुका है दालों को, तकरीबन आधा घंटे से भी ऊपर हो गया है। तो अभी इसके बाद हम गोश्त डाल के भगार लगाएंगे वाली थी, तो ये एंड में भगार के लिए भी काम आती है, तो मैंने इसलिए प्याज ज़्यादा कटवा ली थी। ओह देख सकते हैं कि ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे, कम प्याज डालेंगे। अब इसको मेरे को फांस लग रही है, इसको जब तक ग्राउंड करेंगे। और मेरी वालदा ने मुझे काफ़ी बचपन में बताया था प्याज ग्राउंड जल्दी जब होती है जब आप इसमें थोड़ा सा नमक मिला देते हैं, तो अभी नमक मिलाते हैं। अभी देख सकते हैं ये हरी मिर्चें चार पांच, ये मेरी अपनी रेसिपी है ठीक है। और ये आप मसाला डाल दें, मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था, उसको काफ़ी भून लिया था, गोश्त को काफ़ी भून लिया था। भूनने से ये होता है कि अदरक लहसुन के साथ गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है, एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो आप भी इसको भून लें। अभी मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ज़्यादा नहीं भूनिएगा कि मसाला लग जाएगा, नीचे जल जाएगा। और हड्डी डाल लिया करें, हड्डों से ये होता है कि टेस्ट आता है, यखनी अच्छी बनती है। तो जो मैंने पानी जो था अपना जो डाला था दाल का, वो ही दाल के पानी के साथ मैं डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। तो देख सकते हैं आप, ये एक हाथ से सब कुछ करना पड़ रहा है, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो इसको मैं तेज़ आंच पे, जब तक ये जोश नहीं आता जब तक मैं इसको ढकूंगा नहीं, फिर हल्की आंच पे पकने दूंगा। में ग्राइंड करेंगे और इसके अंदर कुछ और मसाले मिक्स करेंगे, फिर इसको तड़का देंगे दाल का। देखिए किस तरीके से कितनी माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अलग से हंडी से आप ले लें और देखें कि ये इस तरीके से मैश कर रहे हैं। जूसर में नहीं डालेंगे, जूसर में डालेंगे ना तो वो काम हो जाएगा ख़राब, जूसर भी हो जाएगी ख़राब, और वो पेशे वाली जो होती है ना तो वो नहीं बनेगी। तो अभी मैं इसको अच्छी तरीके से मैश करता हूँ, फिर मैं आपको ग्राइंड जब करूँगा तब दिखाता हूँ। तक पकाएं, और पकाने के बाद इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, गरम मसाला जैसे शान या नेशनल का आपके पास हो पिसा हुआ तो वो आप इसके ऊपर
पीसने के बाद डालें, फिर और टेस्ट अच्छा आ जाएगा। हिसाब से मैं थोड़ा स्पाइसी खाता हूँ, तो ये मैंने इतना गरम मसाला ले लिया और इसके ऊपर डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, और घोटा रोकना नहीं, घोटा आप लगाते जाएंगे, जितना आप पकाएंगे इतनी टेस्टी बनेगी। हेल्थ की ज़रूरत है, यहाँ पे भी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दो पहिए साथ चलेंगे तो काम आसानी से होता है। इस पर हल्का सा इस पर नमक डालेंगे, तो नमक डालने से ये होगा कि प्याज जल्दी ब्राउन होगी। ऐसे ये आपको बता रहा हूँ, कभी भी आप प्याज ब्राउन करें ना, तो हल्का सा नमक ज़रूर उस पर छिड़कें, वरना ब्राउन नहीं होगी इतनी जल्दी और वो तेल पीती रहेगी। और आप देख सकते हैं ये हलीम, हलीम बहुत अच्छा लुक और इसका बहुत अच्छा कलर आया है, और टेस्ट करके हम आपको बताएंगे कि कैसी मनी है हलीम। देखें कितना खूबसूरत रंग आया है, टेक्सचर आया है बेहतरीन। और अभी हम इसको धीमी आंच पर रख देंगे। ये खाने में भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह टेस्टी होगी। तो अभी मैं ये प्लेट में निकाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी थोड़ा सा लेते हैं क्योंकि अभी मैं किचन से आया हूँ, तो थोड़ा सा इसको लेके चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा हलीम बना है, टेस्टी बना है। अगली दफ़ा मैं आपको क्या बना के दिखाऊँ आप ये ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। थैंक यू।